अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया वो मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अभी आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज जो करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है मई 2011 में। और इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है सर, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है एक कंपनी दूसरे कंपनी जब टेक ओवर करती है तो पूरा का पूरा एसेट्स और लायबिलिटी नहीं रखे जाते हैं, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी वेंडर कंपनी के पास ही छोड़ दिया, तो ऐसा केस में आप उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। जो परचेसिंग कंपनी है पूरा का पूरा एसेट्स और लायबिलिटी नहीं लेके जाते हैं, कुछ एसेट्स और लायबिलिटी वेंडर कंपनी के पास ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा केस में आप उसका अकाउंटिंग कैसा करोगे इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो शुरू से लास्ट तक फुल कॉन्सेंट्रेट सुनना, तभी आपको समझ में आएगा सर क्या बता रहे हैं। कम समय में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो एग्जाम में 16 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ मार्स लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2011 वॉज फॉलोज, ये रहा एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स में क्या क्या दिया है, मार्स के पास क्या क्या एसेट्स है, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, डेटर में से आरडीडी लेस किया है, बिल्स रिसीवेबल और कैश। लायबिलिटी साइड में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 लाख, कैपिटल रिजर्व 42,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व 2,70,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2,52,000, बिल्स पेबल है 40,000, क्रेडिटर 2,26,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स है 2,20,000। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1st अप्रैल 2011 जुपिटर लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब मार्स, देख रहे हो एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लिए, तो जुपिटर लिमिटेड एग्री टू एब्जॉर्ब मार्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, मतलब मार्स कंपनी बंद हो गया और जुपिटर और बड़ा कंपनी बन रहा है। जुपिटर लिमिटेड विल टेक ओवर द एसेट्स एट द फॉलोइंग वैल्यू, ओनली वो लोग अपना एसेट्स लेके जा रहे हैं। जुपिटर लिमिटेड विल टेक ओवर द एसेट्स एट द फॉलोइंग वैल्यूज, मतलब ये देख के तो यही लग रहा है ये लोग केवल एसेट्स लेके जा रहे हैं। कितने में लेके जा रहे हैं, लैंड बिल्डिंग 10,80,000, स्टॉक 7,70,000 एंड बिल्स रिसीवेबल 30,000, तीन ही एसेट्स लेके जा रहे हैं परचेसिंग कंपनी और कोई भी लायबिलिटी नहीं लेके जा रहा। पॉइंट नंबर टू, द परचेस कंसिडरेशन विल बी सेटल बाय जुपिटर लिमिटेड एस अंडर, पीसी कैसे देंगे, पीसी कैसे सेटल होगा परचेस कंसिडरेशन, तो बोलता है 4,100 फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर देंगे 100 ईच का विल बी इश्यूड एंड द बैलेंस, देख रहे हो एक वर्ड अगर ऐसा आएगा ना, द बैलेंस विल बी सेटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8 पेड अप का, मतलब होता है जितना भी पीसी में बैलेंस पैसा होगा वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिया जाएगा। मतलब पीसी कैसे देंगे परचेस कंसिडरेशन, 4,100 फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा 100 रुपीज का, और जो जितना भी बैलेंस बचा ना उसके बदले इक्विटी शेयर दिया जाएगा। अभी हमें कितना मालूम कितना बैलेंस बचा है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा ना द बैलेंस विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर, तो पीसी कौन से तरीके से निकालोगे, पीसी एज पर नेट एसेट से निकालने का, मेरा प्लेलिस्ट में देख लेना। पीसी दो तरीके से निकलता है, एक वीडियो में समझाया था पीसी दो तरीके से निकलता है, पीसी एस पर नेट पेमेंट से निकलता है, पीसी एस पर नेट एसेट से निकलता है। सबसे पहले कभी भी ट्राई करने का पीसी एस पर नेट पेमेंट, अगर पीसी एस पर नेट पेमेंट नहीं दिया होगा तो पीसी एस पर नेट एसेट ट्राई करेंगे। पीसी एस पर नेट पेमेंट कैसे निकालते हैं, वो लोग क्वेश्चन में ऐसे दिए रहते हैं कि इतना शेयर्स के पीछे इतना शेयर मिलेगा, मतलब शेयर्स के पीछे शेयर्स इतना देंगे, क्लियर कट बोलेंगे। जैसा 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर के बदले हम कितना शेयर देंगे आपको, अगर ऐसा दिया होगा तो समझ जाना पीसी एस पर नेट पेमेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया बैलेंस के बदले आपको इतना शेयर दिया जाएगा, अभी बैलेंस क्लियर नहीं है ना कि एग्जैक्टली कितना शेयर दे रहे हैं आप, न्यू कंपनी कितना शेयर दे रही है वेंडर कंपनी को। तो जब भी पीसी एस पर नेट पेमेंट से पीसी नहीं निकलेगा तो दूसरा तरीका है पीसी एस पर नेट एसेट। तो पॉइंट नंबर वन में जो दिया था जुपिटर लिमिटेड विल टेक ओवर द फॉलोइंग एसेट, यही है पीसी एस पर नेट एसेट्स, ओके। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रीइंबर्स बाय जुपिटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000, और रियल में लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना होता है, पॉइंट नंबर फाइव में देखो लिखा है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 हुआ था, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 हुआ था, उसमें से जुपिटर कंपनी ने 5,000 रिइंबर्स कर दिया, तो नेट अपना पॉकेट से कितना खर्चा हुआ 3,000, तो हम लोग केवल 3,000 का ही अकाउंटिंग करेंगे,
रियलाइजेशन एक्सपेंस टू कैश। हमें क्या सर्च करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर टू बी अलॉटेड बाय जुपिटर लिमिटेड टू डिस्चार्ज द पीसी। आपको ये बताना है कितना इक्विटी शेयर और कितना प्रेफरेंस शेयर जुपिटर लिमिटेड अलॉट करेगी पीसी में, और लास्ट में क्या बनाना है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर एंड जुपिटर लिमिटेड इन द बुक ऑफ मार्स लिमिटेड। तो मार्स का बुक में आपको लेजर बनाना है, बुक क्लोज करना है हमेशा के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो पहले सबसे पहले क्या ट्राई करना, पीसी ट्राई करना। तो कैलकुलेशन ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन, वो भी पीसी कैसे निकाल रहे, पीसी एस पर नेट एसेट्स निकाल रहे। नेट एसेट्स में क्या करते हैं हम लोग, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो जितना एसेट लेके गए माइनस जितना लाइबिलिटी, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो पीसी एस पर नेट एसेट आएगा। पॉइंट नंबर वन में क्या लिखा था, जुपिटर लिमिटेड विल टेक ओवर द एसेट्स एट द फॉलोइंग वैल्यू, ना तीन ही एसेट लिखे जा रहे, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और बिल्स रिसीवेबल। वैसे तो बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स है लेकिन तीन ही एसेट लिखे जा रहे और लाइबिलिटी एक भी नहीं लिखे जा रहे। ये देखो तीन लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल, क्रेडिटर और टैक्स, ये तीनों लाइबिलिटी नहीं लिखे जा रहे। और तीन एसेट्स लिखे जा रहे ना, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और बिल्स, लैंड एबिलिटी लिखे जा रहे, स्टॉक लिखे जा रहे, मतलब डेटर वो लोग नहीं लिखे जा रहे और कैश भी नहीं लिखे जा रहे, दो एसेट छोड़ दिए। पता चला परचेसिंग कंपनी दो एसेट्स और तीन लाइबिलिटी नहीं लेके जा रहे, फिर ऐसा केस में कैसे अकाउंटिंग करेंगे हम लोग। पहला हम लोग पीसी निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पीसी एस पर नेट एसेट। तो पीसी कैसे निकालेंगे, क्या क्या एसेट लेके जा रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने में लेके जा रहे हैं, लैंड बिल्डिंग कितने के लेके जा रहे हैं, 10,80,000 का बरोबर। नेक्स्ट स्टॉक कितने में लेके जा रहे हैं परचेसिंग कंपनी, 7,70,000 का। एंड बिल्स रिसीवेबल कितने में लेके जा रहे हैं, 30,000 का। तीनों प्लस करोगे तो ये आपका पीसी कहलाएगा, परचेस कंसिडरेशन पीसी। तो प्लस कर दो 10,80,000 प्लस 7,70,000 प्लस 30,000, टोटल आएगा 18,80,000। एक बार पीसी आ गया तो आप बात करते हैं इसको डिस्चार्ज कैसा करना है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ पीसी। मतलब ये जो परचेस कंसिडरेशन है मुझे कैसा दोगे, ये पैसा हमें कैसा मिलेगा 18,80,000। तो प्रॉब्लम में बोला था, क्वेश्चन में देखते जाओ, पॉइंट नंबर टू में बोला था कि कितना शेयर्स देंगे हम आपको, ये पीसी डिस्चार्ज कैसे करेंगे, नीचे वापस लिख दो सेम 18,80,000 फिर से लिख दो, सुने ना, ये 18,80,000 फिर से नीचे लिख दो। अब इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला था 4,100 10% प्रेफरेंस शेयर दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर 4,110% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ कितना ईच, 100 ना, ऑफ 100 कितना हो गया, इनटू करो 4,100 इनटू 100 करने का, तो आंसर आएगा 4,10,000। 4,100 प्रेफरेंस शेयर ऑफ कितना ईच, 100 तो 4,100 इनटू 100 करो, आंसर आएगा 4,10,000। हमारा पीसी था 18,80,000, उसमें 4,10,000 का तो हमें प्रेफरेंस शेयर मिला। तो क्वेश्चन में बोला था देखो बैलेंस व्हाट इज द बैलेंस, तो 18,80,000 में से 4,10,000 माइनस कर दो तो आंसर आएगा कितना, 14,70,000 इज द बैलेंस, यही आपका बैलेंस है। ये बैलेंस के बदली परचेसिंग कंपनी आपको इक्विटी शेयर देगी, कितना शेयर देगी वो लोग क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, लेकिन वो इक्विटी शेयर 10 रुपीज का होगा, 8 पेड अप लिया जाएगा, ऑफ 10 ईच 8 पेड अप, उसका पेड अप कितना रहेगा 8, तो 14,70,000 को 8 से डिवाइड करो, 14,70,000 को 8 से डिवाइड करो तो आपको शेयर्स मिलेगा, शेयर्स, तो 14,70,000 डिवाइड बाय 8 करोगे तो शेयर्स आएगा 1,83,750, क्या इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेटा, समझ में आ रहा है, पीसी 18,80,000 उसमें 4,10,000 का हमें प्रेफरेंस शेयर मिल गया, तो बैलेंस का हमें इक्विटी शेयर दिया जाएगा, और इक्विटी शेयर का
वो इक्विटी शेयर कितने का है, 10 ईच का, लेकिन उसका पेडअप कितना माना जाएगा, 8, तो 14,70,000 को 8 से डिवाइड करो तो आपको शेयर्स मिलेगा, कितना आएगा 1,83,750 शेयर्स मिलेगा। ओके, तो पीसी समझ में आया, पीसी पर नेट एसेट निकाले, फिर उसको डिस्चार्ज कैसे किए वो पूरे डिटेल में। ओके, अभी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे इसका। स्टेप नंबर वन, जितना भी एसेट्स है कैश को छोड़ के, जितना भी एसेट्स है कैश को छोड़ के परचेसिंग कंपनी लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। कैश के लिए रूल्स क्या है, कैश अगर न्यू कंपनी लेके जा रहे हैं तो रियलाइजेशन में घुमाने का, कैश अगर न्यू कंपनी नहीं लेके जा रही है तो कैश अकाउंट बनाने का। ऐसी जितना भी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, टैक्स, परचेसिंग कंपनी लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे, आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। और इक्विटी शेयर्स और जितना भी रिजर्व रहेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा। तो पहला स्टेप हमेशा यही करने का, बैलेंस शीट को पूरा खत्म करने का। एसेट्स को हम कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे। तो आ जाओ, बैलेंस शीट में एसेट दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा एसेट एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे बैलेंस शीट में जितना भी एसेट दिखाई दे रहा है कैश को छोड़ के सब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें, तो लिखेंगे 2 लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिखाई दे रहा है, 7,64,000 रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद स्टॉक है, स्टॉक भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, स्टॉक कितना अमाउंट है, 7,75,000। नेक्स्ट एसेट्स कौन सा है, डेटर, सुनो डेटर में ध्यान देना, डेटर 1,60,000 है और आरडीडी से सेपरेट लेजर, तो डेटर कितना लिखोगे आप इधर, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं ऐसा मत करना, डेटर कितना लिखने का, 1,60,000 लिखो, और जो आरडीडी है ना, आरडीडी सेपरेट लेजर है, आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आरडीडी इस साइड लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, आरडीडी क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसलिए सो क्रेडिट में लिखेंगे 8,000, समझे। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, तो लिखेंगे 2 बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट है उसका 30,000। एसेट्स पूरा हो गया, कैश को किधर लिखेंगे सर, कैश के लिए हमने कैश अकाउंट बनाया है, कैश को हम कैश अकाउंट में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश के लिए अलग रूल होता है, कैश अगर लेके जा रहे हैं तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, कैश अगर नहीं लेके जा रहे तो कैश अकाउंट में लिखने का। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्रॉब्लम में, देखो 3,29,000। ओके, हमने एसेट पूरा खत्म किया। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में पहले नीचे से जाते हैं, बिल्स पेबल, क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर टैक्स। जो ट्रांसफरिंग कंपनी है जिसको हमने एसेट्स ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी हमारा नहीं लेके जा रहे हैं, तो लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, तो लिखेंगे बाय बिल्स पेबल। तो बताओ बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया है प्रॉब्लम में, 40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना है, जो परचेसिंग कंपनी नहीं लेके गए, क्रेडिटर का अमाउंट है 2,26,000। ऐसी प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी हमारा लाइबिलिटी है, उसका अमाउंट कितना है, 2,20,000। यहां तक समझा। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, इक्विटी शेयर, कैपिटल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, एवरीथिंग बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किधर घुमाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, क्रेडिट में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है, 10 लैक्स दिया है। नेक्स्ट उसके बाद दिखाई दे रहा है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जितना भी रिजर्व होता है वो सबका सब बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर लोग को, तो बाय कैपिटल रिजर्व कितना दिखाई दे रहा है, कैपिटल रिजर्व 42,000। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व के बाद है कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कोई कॉन्टिजेंसी नहीं है इसीलिए पूरा का पूरा पैसा शेयर होल्डर लोग को ट्रांसफर हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कितना अमाउंट है, 2,70,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो पैसा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर लोग का है, कितना है, 2,52,000। यहां तक क्लियर, हमने पूरा बैलेंस शीट खत्म कर दिया, एक भी नहीं छोड़ना बैलेंस शीट में। पीसीएस पर नेट एसेट्स हमने कितना निकाला था, 18,80,000। ये डिस्चार्ज कैसे होगा, कुछ हम लोग
प्रेफरेंस शेयर देंगे और कुछ हम लोग इक्विटी शेयर देंगे। इसको हम लोग इसका पीसी का एंट्री क्या आएगा ध्यान देना। तो एंट्री आएगा, पहला एंट्री आएगा जुपिटर अकाउंट डेबिट, जुपिटर अकाउंट डेबिट, जुपिटर पीसी कितना था 18,80,000, जुपिटर अकाउंट डेबिट टू, ये पीसी का ड्यू एंट्री। बाद में पीसी क्या क्या मिला आपको, पीसी में क्या क्या मिला आपको वो लिखना है। तो जुपिटर ने हमें क्या क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया था ना, तो 10% प्रेफरेंस शेयर इन, 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर कितना दिया था 4,10,000 ना, 10% प्रेफरेंस शेयर कितना दिया था 4,10,000 दिया था। और बैलेंस के बदले हमें क्या दिया था, इक्विटी शेयर्स, वो भी किसका, इक्विटी शेयर्स इन जुपिटर कितना 14,70,000। और जुपिटर को डेबिट किया था ना, उसको कैंसिल करने के लिए जुपिटर को क्रेडिट करेंगे कितना 18,80,000। हमको भी मालूम है ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों इक्विटी शेयर होल्डर लोग को दे रहे हो, तो इसको ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री आता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट है ना उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर टू इक्विटी शेयर इन जुपिटर, क्लियर ना, कितना 4,10,000 और 14,70,000, टोटल 18,80,000। अभी हम लोग ये पीसी का एंट्री करेंगे, समझ में आ रहा है, ये पीसी का एंट्री हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो पहला एंट्री जुपिटर टू रिलाइजेशन करेंगे, पहला एंट्री जुपिटर टू रिलाइजेशन ना, तो जुपिटर का डेबिट में लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे टू रिलाइजेशन, कितना पीसी का अमाउंट था 18,80,000। इसका सेकंड इफेक्ट जुपिटर का डेबिट में, तो रिलाइजेशन क्रेडिट से में लिखेंगे बाय जुपिटर, ब्रैकेट में लिख देना पीसी वाला एंट्री है, कितना था 18,80,000, क्लियर ना। तो फर्स्ट एंट्री समझा, फर्स्ट एंट्री समझ में जुपिटर अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। सेकंड एंट्री जुपिटर ने हमें क्या क्या दिया, 10% प्रेफरेंस शेयर दिया और इक्विटी शेयर दिया। अब इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे, हमने ये दो लेजर नहीं बनाया लेकिन जुपिटर तो बनाया ना, जुपिटर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ओके। तो जुपिटर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो जुपिटर अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर बाय इक्विटी शेयर इन जुपिटर। तो 10% प्रेफरेंस शेयर कितना लिखेंगे 4,10,000 और इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे 14,70,000। एंट्री नंबर थर्ड, ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों इक्विटी शेयर को ट्रांसफर किया, हमने इक्विटी शेयर होल्डर का लेजर बनाया, अभी ये नहीं बनाया, तो इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ओके। इसका डेबिट में टू कितना परसेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर इन जुपिटर कितना 4,10,000 और टू इक्विटी शेयर इन जुपिटर कितना 14,70,000, ओके। तो पीसी का तीन एंट्री समझ में आया, एज्यूम करता हूं पीसी का तीन एंट्री समझ में आया। अब क्या करने का, अगला स्टेप क्या है सर, अगला स्टेप इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन में देखते जाओ। पॉइंट नंबर वन पढ़ के हो गया, पॉइंट नंबर टू पढ़ के हो गया, पॉइंट नंबर थर्ड आओ, लिक्विडेशन एक्सपेंस रीइंबर्स किया 5,000 लेकिन टोटल 8,000 था, तो अपना जेब से कितना खर्चा हुआ, केवल 3,000 ना, तो 3,000 का एंट्री मारने का। एंट्री आएगा जब अपन रिलाइजेशन एक्सपेंस किए, तो एंट्री आएगा रिलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक एक्सपेंसेस का एंट्री, लेकिन कितने का करेंगे, ओनली 3,000 का, समझ में आया, 3,000 टोटल 8,000 था, उसमें से 5,000 तो जुपिटर ने अपना जेब से खर्चा किया, तो हमारा जेब से कितना हुआ 3,000। एंट्री रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिलाइजेशन का डेबिट में, तो बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिलाइजेशन कितना 3,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर देखो, सन्ड्री डेटर रिलाइज हुआ 1,50,000, बिल्स पेबल सेटल हुआ 38,000 का, हमने रिलाइजेशन का डेबिट में डेटर कितना लिखा 1,60,000, परचेसिंग कंपनी डेटर को नहीं लेके गया, तो डेटर पैसा हमें ही देगा,
तो डेटर जब रिलायंस होगा तो हम क्या एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसेशन, क्रेडिट से लिखेंगे बाय बैंक, क्लियर ना। ये बैंक क्यों लिखा, क्योंकि ये डेटा रिलायंस हुआ, एरो बना दिया हूं आपको समझाने के लिए, ये डेटा रिलायंस हुआ, डेटर कितना रिलायंस हुआ 1,50,000, क्लियर। डेटर 1,60,000 डेटर से लेना था, डेटर ने कितना पैसा दिया 1,50,000। तुम इसका प्रॉफिट लॉस मत सोचो कि 10,000 का नुकसान हो गया, अपने को एक ही बार फाइनल ओवरऑल प्रॉफिट लॉस मिलेगा, ओके। तो इंडिविजुअली नहीं निकालना है, इंडिविजुअली नहीं निकालना है, ओवरऑल एक ही बार या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो 1,60,000 डेटर से लेना था, डेटर ने 1,50,000 दिया, इसका एंट्री क्या आता है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसेशन, तो रिलायंसेशन क्रेडिट साइड में, तो बैंक का डेबिट में लिखेंगे रियलाइजेशन, कितना रिलायंस हुआ 1,50,000, समझ में आया। डेटर का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायंसेशन। सेकेंड पॉइंट नंबर 4 देखो, बिल्स पेबल कितने में सेटल हुआ 38,000, बिल्स पेबल हमने क्रेडिट में लिखा है, अब ये सेटल हो गया, हमने उनको पैसा दिया, तो इसको उल्टा साइड लिखने का, इसको उल्टा साइड लिखने का, तो डेबिट में क्या लिखेंगे, रिलायंसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये किसका पैसा है, बिल्स पेबल ऑनर किया हमने, कितना पे किया, बिल्स पेबल क्वेश्चन में पढ़ो, बिल्स पेबल वाज सेटल एट 38,000, हमने किसी को 40,000 देने का वादा किया था, लेकिन कितना पे सेटल हो गया 38,000, तो 38,000 ही लिखने का, इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस नहीं निकालना, एक ही बार लास्ट में प्रॉफिट आएगा, ओके एक ही बार ओवरऑल पूरा प्रॉफिट आएगा, ओके एक ही बार फाइनल प्रॉफिट लॉस निकालते, इंडिविजुअली हम नहीं निकालते। तो बिल्स पेबल जो 40,000 देना था, हमने कितना दिया 38,000, एंट्री रिलायंसेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक का क्रेडिट में लिखेंगे बाय बाय रियलाइजेशन, कितना सेटल किए 38,000 पे सेटल कर दिए। नेक्स्ट सेम वैसी पॉइंट नंबर 5 देखो, क्रेडिटर कितने में सेटल हो गया, क्रेडिटर विल फाइनली सेटल विद द कैश रिमेनिंग, क्या लिखा है, क्रेडिटर विल सेटल फाइनली एट द कैश रिमेनिंग बोला है ना, अब रिमेनिंग कैश और लास्ट में देखा जाएगा हमारे पास कैश कितना, तो क्रेडिटर को हम पेंडिंग छोड़ेंगे टू बैंक क्रेडिटर, क्रेडिटर का अमाउंट पेंडिंग है, ऐसे टैक्स भी सेटल करना है, टैक्स तो टैक्स कितना देना है, पॉइंट नंबर 4 में देखो, टैक्स लाइबिलिटी कितना पे सेटल हो गया, टैक्स क्योंकि टैक्स न्यू कंपनी नहीं, परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रही टैक्स को, तो टैक्स कितना पे सेटल हो गया, देखो 2,22,000 है, तो 2,22,000 टैक्स कितना पे सेटल हो गया, 2,22,000 लिखेंगे टू बैंक, इसका सेकंड इफेक्ट बैंक का क्रेडिट से हम लिखेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट बैंक क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, कितना 2,22,000 ऑलमोस्ट, देखो हमने सब कर लिया, ये एसेट्स रिलायंस हो गया और 2 लायबिलिटी हमने पे कर दिया, क्रेडिटर को पे करने का बारी आया, तो क्वेश्चन में बोला था कैश जितना रहेगा उतना आप दे दो, तो चलो कैश को पहले पता लगाएंगे कि हमारे पास कैश है कितना, बैंक अकाउंट पहला बैलेंस कर लेते हैं, पहला बैंक अकाउंट टैली करेंगे, टोटल आता है 4,79,000, ठीक है ये टोटल यहाँ लिखेंगे 4,79,000, 4,79,000 में से 3,000 माइनस करो, 38,000 माइनस करो, 2,22,000 माइनस करो, अभी भी हमारे पास कैश कितना बचा है, इतना कैश हमारे पास है जो हम क्रेडिटर को पे कर सकते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो कितना कैश हमारे पास है अभी भी, तो 4,79,000 माइनस 3,000 माइनस 38,000 माइनस 2,22,000 हमारे पास कैश बचा 2,16,000 का, लिख देना बैलेंसिंग फिगर, इतना कैश हम लोग क्रेडिटर को पे कर सकते हैं लास्ट में, बैंक अकाउंट को टैली करो तो इतना डिफरेंस आएगा, इसका मतलब बैंक बैलेंस हमारे पास इतना बचा है अभी भी 2,16,000 का, जिससे हम लोग क्रेडिटर को पे करेंगे, तो 2,16,000 का सेकंड इफेक्ट देंगे रिलाइजेशन में, लिखेंगे टू बैंक क्रेडिटर 2,16,000, ओके समझना, 2,16,000 कहां से है, बैंक का बैलेंसिंग फिगर। अभी ऑलमोस्ट सब हो गया, रिलाइजेशन अकाउंट टैली करेंगे, तो रिलायंसेशन का टोटल करो तो टोटल आएगा 25,24,000, ये टोटल यहाँ लिखेंगे 25,24,000, माइनस करो जो डिफरेंस आएगा इसी को बोलते हैं ना प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर किसको करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर, कितना प्रॉफिट होता है 3,16,000 का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, क्या है सर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो गया 3,16,000 का प्रॉफिट हो गया, इक्विटी शेयर लास्ट में टैली करना वो टैली हो जाएगा,
10 lakh plus 42,000 plus 2 lakh 70,000 plus 2 lakh 52,000 plus 3 lakh 16,000 टोटल आता है 18 लाख 80,000 और ये टोटल मैच होगा 18 लाख 80,000। बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमने पहले टैली कर दिया और लास्ट में जुपिटर अकाउंट टैली करना, जुपिटर अकाउंट भी टैली हो जाएगा 18 लाख 80,000 से, 18 लाख 80,000 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार मैं फास्ट रिकॉल कर देता हूँ क्या करना है आपको। जितना भी एसेट्स था हमने रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया, जितना भी लाइबिलिटी था हमने रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया, और कैश किधर ट्रांसफर किया, कैश अकाउंट में। सेकेंड स्टेप पीसी का एंट्री पास किया। थर्ड स्टेप जो एसेट्स नहीं लेके जा रहे वो हमने रिलैक्स किया, जो लाइबिलिटी परचेसिंग कंपनी नहीं लेके जा रहे उसको हमने पे किया, जैसे कि बिल्स पेबल पे किया, क्रेडिटर सेटल हो गया, टैक्स सेटल हो गया। और सुनो ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन है बोले या ना बोले, लायबिलिटी को कंपलसरी पे करना, एसेट भले छूट जाए लेकिन लायबिलिटी कंपलसरी पे करना है। कल ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला टैक्स के बारे में, तो आप अजम्पशन लेने का कि हमने टैक्स पे किया, लायबिलिटी पे करना ही करना है कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन है बोले या ना बोले। अभी तो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया था हमने वैसे ही किया, अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोलते तभी मैं लायबिलिटी पे करता था। ओके, लास्ट में अकाउंट टैली करना, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना इक्विटी शेयरहोल्डर लोग को, लास्ट में अकाउंट टैली कर देना इक्विटी शेयर टैली हो जाएगा। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझ में अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन, बाय बाय।